यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे संचालन से जरूर लीजिएगा शिक्षा। मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर फ्रेंड्स, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आप लोग का चल रहा है और वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। मैंने बहुत सारे आप लोगों के लिए जो है वो हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर है बहुत से जगहों से मुझे जैसे जैसे प्राप्त हुआ मैंने आप लोग को उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया। डियर फ्रेंड्स, आप लोग को एक कंफ्यूजन बना होगा कि पेपर आप लोगों का कब होगा, अभी तक कुछ मिला नहीं है आप लोगों को सूचना। विशेष रूप से देखा जाए तो कि कब एग्जाम कराने की संभावना बनी हुई है, लेकिन चलिए आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए यूपीएमएसपी पर अगर आप देखेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सूचनाएं होती है शिक्षा से संबंधित, तो माध्यमिक पर आप जाके upmsp.in अगर देखेंगे आप तो पूरा अपना पूरा आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर रिसोर्स आप लोग को बताते चलूं। देखिए यहाँ पर शैक्षिक सत्र 2023-24, देखिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ बात हो रही है यूपी बोर्ड की महत्वपूर्ण रूप से, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना आप लोग को। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाली है आप लोगों के लिए, डिस्टेंस इसको पूरा देख लीजिए एक बार, ठीक है। 2 से 3 मिनट 5 मिनट का समय आप लोगों का, आप समय कहाँ कहाँ कैसे बर्बाद करते हैं ये तो सभी लोग जानता है, आप स्वयं भी जानते हैं जाड़े का समय कैसे बीतेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि पहले वीक में ही यानी फरवरी के पहले वीक में ही पेपर हो जाए, ये भी पूरी संभावना बनी हुई है। शैक्षिक सत्र जो 2023-24 है, शैक्षिक पंचांग का निर्धारण किए जाने के संबंध में, देखिए यहाँ पर जब चल रहा है यहाँ पर हम लोग, चलिए आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है आप जानते हैं कि यहाँ के जो इस समय बनाए गए हैं वो दिव्यकांत शुक्ल जी हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर देखिए इसमें जब लिखा गया है सीधा सीधा, मतलब यहाँ पर जो मुख्य रूप व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये बातें चीजें निर्धारित की गई हैं। तो देखिए शैक्षिक पंचांग के अनुसार ही माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक एवं पाठ्य सामग्री की गतिविधियों का समयक संचालन कराने का कष्ट करें, ये देखिए दिया गया है एक तरीके से एक्सपेक्टेड कह सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। एक्सपेक्ट का मतलब इन तरीके से पूरा मान ही चलिए, बस केवल अब औपचारिकता बाकी है और कुछ नहीं, कुछ जो थोड़ा बहुत औपचारिकता औपचारिकता बाकी है। डेट वाइज आप लोग का जब टाइम टेबल मिल जाएगा तब आप लोगों को यकीन हो जाएगा। लेकिन एकदम तैयारी अपनी पूरी जबरदस्त रखिए, क्योंकि इस बार देखिए शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु तिथिवार एकेडमिक कैलेंडर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु तिथिवार एकेडमिक कैलेंडर के बारे में मैं आप लोगों से बताते चलूं, इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए और ऐसे ही आप लोग अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करिए, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो किसी और को नहीं पछताना है बल्कि आप ही को पछताना है। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस, चलिए हम लोग बात करते हैं हम सत्र आरंभ करने के, देखिए सत्र आरंभ करने की तिथि जो है 1 अप्रैल 2023, ये तो आप लोग जान रहे हैं। ये यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट वगैरह की जब बात होगी, देखिए यहाँ पर हम लोग आकर जब बात करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा, देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा जो हुआ आप लोगों का अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का, देखिए आयोजन सितंबर माह तक निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार, देखिए अक्टूबर 2023 के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में मैक्सिमम जो विद्यालय है, मैक्सिमम विद्यालय वहां पर आप लोगों ने अच्छे से देखा है। अभी बहुत से विद्यार्थी परेशान थे, सर मुझे ये पेपर भेज दीजिए, सर मुझे वो सेट का पेपर भेज दीजिए, मुझे ये वाला भेज दीजिए, तो मुझे ये वाला कोड भेज दीजिए। देखिए आप तैयारी पहले से नहीं करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी लापरवाही है। दुआरे पाइल बरात तो समधिन के लगल हगवास, तो बेटा ये काम मत करिए आप लोग। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है ये काम आप लोग त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए इसे, कि जब मुझे मेरे सर पर जब आएगा तभी हम काम करेंगे। कुछ चीजों को थोड़ा बहुत पढ़िए, अगर आप रेगुलरली डीजे सर चैनल पर भी आधे घंटे 1 घंटे रेगुलरली स्टडी करते तब भी पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। हिंदी तो आपका एकदम बलमुआ और अनछू की तरह कर देंगे आप, लेकिन आप पढ़िए रेगुलरली पढ़िए। आप क्या करते हैं एक दिन पूरा ऐसा पढ़ जाएंगे कि उसकी कोई सीमा नहीं है, पूरा जबरदस्त पढ़ जाएंगे। लेकिन आप समय निकालिए, टाइम निकालिए, जाड़े का समय है, बहुत तेजी समय बीतेगा आपका। देखिए अक्टूबर 2023 के द्वितीय और तृतीय सप्ताह में देखिए कराना था यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा, वो एकदम समझ लीजिए कि हो चुका है, यानी कि पूरा का पूरा अक्टूबर जो है दूसरा तीसरा हफ्ता चला गया। मैक्सिमम विद्यालयों विद्यालय जो है, मैक्सिमम जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की विद्यालय है, सरकारी वाले प्राइवेट तौर पर भी जो है, जैसे भी हैं, वो सभी के सभी जो है वो अक्टूबर के द्वितीय और तृतीय सप्ताह में मैक्सिमम विद्यालयों का पेपर हो गया है। थोड़ा बहुत औपचारिकता के नाम बचा हुआ कहीं वो भी हो जाएगा। अब चलिए देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए मासिक टेस्ट के बारे में यहाँ पर जो बातें हैं। अब चलिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये है आप लोगों का ये प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षा और देखिए लिखित परीक्षा। कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाओं का आयोजन जो होगा वो होगा आपका जनवरी 2024 तृतीय सप्ताह में। तो ये मानकर चलिए कि आपका जनवरी स्टार्टिंग में जो है प्री बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो जाएगी। सोच लीजिए कोई भी समय नहीं बचा हुआ, जाड़े का समय तो ऐसे निकलेगा आपका कि कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये एकदम कंफर्म है, इसी डेट पर होना है, बस डेट वाइज आप लोग को टाइम टेबल नहीं मिला है, इसलिए आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। अगर आप लोग लापरवाही करेंगे तो उसका पश्चाताप केवल आपको ही करना होगा, कोई और उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग जो मुख्य रूप से बातें हैं, कुछ दिनों में टाइम टेबल भी आ जाएगा आप लोगों को, तो शायद तब आप लोगों के आग पर से पट्टी हट जाए। देखिए कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षाओं का जो आयोजन होगा वो जनवरी 2024 की तिथि सप्ताह में, यानी जब 9, 10, 12 का जब चलेगा उस समय देखिए यहाँ पर वार्षिक पेपर जो 9, 10, 9 और 11 का करा लिया जाएगा। 9, 11 का मूल्यांकन जो है फरवरी, ये सब तो मान लीजिए अलग की बातें हैं। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है मुख्य रूप से बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं, देखिए परीक्षाओं का आयोजन देखिए 21 जनवरी से 5 फरवरी 2024 तक, यानी 21 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में जो होगा प्रयोगात्मक परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि 5 फरवरी से समाप्त हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि 8 फरवरी 7 फरवरी 10 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन चालू हो जाए, ठीक है? बिल्कुल भी समय आपके पास नहीं है। मैक्सिमम मान के चलिए 15 फरवरी, और इस बार मार्च में आप लोग का चुनाव होना है, मैक्सिमम चांस है कि आप लोगों का जो फरवरी के दूसरे या तीसरे वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, और ये टाइम टेबल आप लोग को बहुत जल्दी मिलने वाला है। बोर्ड परीक्षा का देखिए आवेदन जो किया गया है वो एक्सेप्टेड क्या रखा गया है कि फरवरी और फरवरी 2024 तक करा लेना है, तो फरवरी 2024 में पूरा पेपर आप लोग का समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपका पहले वीक में ही पूरा, पहले वीक तो प्रयोगात्मक परीक्षा समाप्त हो गई, उसके बाद लोग फ्री हो जाएंगे, तो मैक्सिमम 5 फरवरी के बाद 10 फरवरी 12 फरवरी 15 16 जो भी फरवरी मतलब 2-4-5 डेट के बाद किसी न किसी डेट पर वो अपना स्टार्ट कर देंगे, तो बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है, सुधर जाइए और रेगुलरली स्टडी कीजिए। नहीं करेंगे तो समय निकल जाएगा, फिर आप वही एक दिन दो दिन बचता है, मैंने पहले ही बताया आप लोग को एक कहावत कि दुआरे पाइल बारात तो समधिन के लगा लगवास, वही वाला किस्सा हो जाएगा कि दुआर पर बारात आ गई और समधिन को पता चला कि परछन जा करना वो चली गई कहीं और, तो ये काम मत करिए। और एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि एक और कहावत मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बड़े बड़े बहल गई ना गधवा कलश कितना पाने। देखिए दादी जी जो पुराने बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे ये सभी चीजें सुनने को मिलता है, और ये बहुत सटीक होता है, बहुत तेज व्यक्तियों के ऊपर ये बैठता है। तो कहने का मतलब है कि बड़े बड़े बहल गई ना गधवा कलश कितना पानी, इसका अर्थ क्या मतलब है, एक कुआं था, एक तालाब था, उसको पार करना था। अब पार करने के लिए कहा गया कि भैया चलिए ठीक है, कौन इसको पार करेगा पहले, तो ये कहा गया कि ठीक है इसको, शेर गया वो भी डूब गया, चीता गया बाघ गया सब डूब गया, हाथी गया वो भी डूब गया, कौआ गया उड़ते उड़ते वो भी गिर गया उसी में, तो लास्ट में उठा गधा कि चला भैया रुक ला हम एक पार करके दिखा होती, तो ये काम मत करिए। तो सब लोग हंसने लगे कि वही बड़े बड़े तो बहल गई ना, यानी ऊंट जिराफ जितने बड़े बड़े जानवर है सबका तो देख लिया गया, अब गधा अंतिम उठ के कह रहा है कि चला हम पार करके दिखा होती, तो इसी को कहा गया कि बड़े बड़े बहल गई ना गधवा कलश कितना पानी, तो ये काम बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है? और याद रखिएगा इसको पूरा डेट एकदम रख लीजिए, और कंफर्म है यही समझिए, समझ लीजिए ये आपका क्या है एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड डेट नहीं है, ये आपका कंफर्म डेट है, ठीक है? अगर आप इस अभी भी नहीं साथ रखोगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों का देखिए परसेंटेज पर प्रभाव पड़ता है इसका। देखिए अब जब आपने स्टडी नहीं करेंगे बेहतर तरीके से, तो भाई बेहतर मेहनत अगर परिश्रम करेंगे तभी आप बेहतर परिणाम के बारे में भी सोच सकते हैं। सामान्य निर्देश देखिए यहाँ पर ये पूरी पूरी बातें हैं, ये पूरा का पूरा जैसे पीडीएफ ये पाना चाहते हैं आप तो 950-690-2727 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज, और ताकि मैं सभी चीजें मैं आप लोग को भेज दूंगा आपके ऊपर, और ये यूपी वेबसाइट यूपीएमएससी वेबसाइट पर ये बातें पूरी उपलब्ध है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कि कहीं और से बोल रहा हूँ, फर्जी बोल रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बना दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी की पूरी बात देखिए यहाँ पर जो है दीपिकांत शुक्ल जी के द्वारा ये या उनकी टीम के द्वारा ये पूरा का पूरा निर्धारित किया गया है कि भैया ऐसे ऐसे आप लोग को कराना है, तो आप लोग लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है? और ठंडी भी आपका धीरे धीरे आ ही गया है, तो रेगुलरली पढ़िए और कंटिन्यूअस पढ़िए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। त्योहारों का सीजन दौर भी चलने वाला है आप लोगों का, पूरा अक्टूबर तो समझ लीजिए चला ही गया, अब बचा है नवंबर आप लोगों का, नवंबर पूरा त्योहार फेस्टिवल में ही चला जाएगा, बचेगा पूरा दिसंबर, और जम के दिसंबर में होगी आप लोगों की ठंडी, तो दिसंबर में जम के पड़ेगा ठंडी आप लोगों का, अब तुरंत आपका जनवरी में आ जाएगा एग्जाम प्री बोर्ड आ जाएगा, उसके बाद तुरंत आपका प्रायोगिक परीक्षा, तुरंत आप लोगों का फिर एकदम वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा आ जाएगा, तो फरवरी के सेकेंड या दूसरे या तीसरे सप्ताह में आप लोग मानकर चलिए, तो समय बिल्कुल भी नहीं है, चप कर पढ़िए, चपा कर मत पढ़िए और कंटिन्यूअस पढ़िए, जब लास्ट में आप पूरा लाद लेंगे तो यही होगा कि चपा कर पढ़ने का नौबत आता है, चप कर पढ़ने का नहीं आता है, तो इस समय अगर धीरे धीरे थोड़ा सा आप अपना करते रहेंगे तो ये आपका पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगा। और जो भी सब्जेक्ट है आपका, जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके रिलेशन आप लोग को देखिए कॉलिंग वगैरह पर कभी कभी ज्यादा कॉलिंग रिसीव नहीं हो पाता है, लेकिन 950 देखिए मैं आप लोग को लिख भी दे रहा हूँ, इस नंबर को ध्यान रखिएगा, देखिए ये नंबर है नोट कर लीजिए इसको, 950-690 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग को मिल जाएगा, 950-690-285-7। तो इस नंबर पर आप लोग को एक छोटा सा काम करना होगा, अपना व्हाट्सएप नंबर मैसेज इसी नंबर पर करिए, उसके बाद फिर आप लोगों को जो है
जोड़ लिया जाएगा, क्योंकि जानते हैं टीम वर्क उतने होते नहीं है। वो तो टीम वर्क के अभाव में देखिए क्या होता है, पूरी कॉलों को रिसीव कर पाना या फिर पूरा उनका जवाब दे पाना बहुत कठिन काम होता है। इसलिए देखिए आप लोग को एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया 950-690-2527, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, अपने नेम, क्लास, सब्जेक्ट और जिला बताइए, और जो भी मेरे तरफ से इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी मेरे तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पीडीएफ अवेलेबल होगा, मैं वो सब आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा इस चैनल पर, जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो डियर सन्स याद रखिएगा मेरी ये बात, और जमकर करिए अपनी तैयारी, और ये जो नंबर मैंने दे रखा है इसको कर लीजिए नोट, और तुरंत जाके व्हाट्सएप मैसेज में कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है? और याद रखिए डियर सन्स, इसे अपने क्लासमेट पर कर दीजिएगा शेयर, क्योंकि धीरे धीरे बोर्ड एग्जामिनेशन भी आ रहा है आप सभी लोगों के नियर। तो डियर सन्स खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का, और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर। और जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, साथ ही साथ 9th के हैं, 11th के हैं, तो 9th to 12th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला सीरीज, और प्री बोर्ड के जो पेपर मिलेंगे मुझे, जो हाफ ईयरली के पेपर मिलेंगे, और जो वार्षिक के पेपर आने वाले होंगे, जो भी मेरे पास जैसा पेपर मिलता रहेगा, मैं उन सभी पेपरों का डिस्कशन आप लोग के साथ करूंगा, ठीक है? उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और कंटेंट के बारे में आप बताते रहिए कि जो भी आपको मिले, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहां से देखिए, आपने राय रखिए व्हाट्सएप थ्रू के, जो है अपने बातों को पहुंचाई कि यहाँ से मुझे इस टॉपिक पर या इस कंटेंट पर आप अच्छे से बात, तो आप लोगों के लिए पूरा समय निकाल कर जो है उस पर आप निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है डिस्टेंस? तो ये याद रखिएगा, ये एकदम कंफर्म डेट है आप लोगों का, ये एक्सेप्टेड जो डेट बनाया गया, इसी में थोड़ा बहुत उलट फिर रहेगा, देखिए क्योंकि चीजें एकदम सही चल रही हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा को आप लोगों ने देख लिया है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इससे सतर्क हो जाइए, बिल्कुल भी समय नहीं है आप लोगों को, देख लीजिए इस डेट याद रखिएगा, सतर्क रहिए, क्योंकि देखिए इसी डेट के अकॉर्डिंग पूरा है ये चीजें, जो है जो आदेश दिया गया है उसी तिथि के तिथिवार जो है काम कार्यक्रम पूरा कराया जा रहा है, ठीक है? तो ये काम भी आप लोगों का जो लास्ट में है ये भी होना एकदम तय है, तो लगे रहिए डीजे सर चैनल के साथ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे सभी क्लासमेट पर कर दीजिए अपने शेयर, और ज्यादा ज्यादा दूर तक फैलाइए रिसोर्स, और एक डीजे सर चैनल को भी यूपी बोर्ड की तैयारी का एक ब्रांड वैल्यूएबल चैनल के रूप में तैयार करिए, और ये तो मैं अपनी तरफ से अथक प्रयास करता रहूंगा, लेकिन इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप सभी लोग इसे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। ये 13 मिनट का वीडियो डियर्सन्स जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की समझ लीजिए 13 ही करने वाला वीडियो है, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करके सतर्क होकर चपकर स्टडी कीजिए डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। जय हिंद, जय भारत।